सत श्री अकाल, तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर वन पंजाबी रेडियो साडेला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधू, लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले च पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विचाले हुई मीटिंग च कोई सहमति नहीं बन सकी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान नूं कहा कि पानी बारे बाद विच चर्चा कर लवांगे, पर पहला पंजाब नहर का निर्माण करे। इसका सख्त जवाब दिंदिया सीएम मान ने कहा कि जदों पंजाब कोल हरियाणा नूं देण लई पानी ही नहीं है तो नहर बनाउण का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। सीएम मान ने कहा है कि हरियाणा नूं पानी दे प्रबंध लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपील करनी चाहीदी है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि 1981 च होया SYL समझौता 42 सालां बाद लागू नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब च धरती हेठले पानी का पद्धर हेठां चला गया। मान ने कहा है कि पंजाब दे कोल पहलां ही जिहड़ा पानी घट बचा, जबकि हरियाणा कोल 14.10 मिलियन फुट पानी है। हरियाणा कोल होर दरियावां दा पानी भी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रख्या गया। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के मुख मुलजम गैंगस्टर लॉरेंस नाल हसना मोगा दे CI दे SHO किक्कर सिंह नूं महंगा पै गया। CI इंचार्ज किक्कर सिंह ने लॉरेंस नूं मोगा अदालत विच पेश करन समय उस नाल मजाक करना शुरू कर दिता। अजिहे च पुलिस अधिकारियां दे गैंगस्टरां दे नाल संबंध वड्डे सवाल खड़े करदे ने। लॉरेंस वर्गे गैंगस्टरां ने पंजाब दा माहौल खराब कर दिता है ते पुलिस ऑफिसर उसदी पिठ थापड़ रहे ने। पहला ही मानसा दे CIA इंचार्ज प्रतपाल सिंह ते दोष लग रहे ने कि उन्होंने गैंगस्टर दीपक टीनू नू खाखी दाग दाग करके भजाउण च अहम भूमिका निभाई सी। टीनू नू सलाखां पिछे रखण दी बजाय उस नू टीनू नू अपने घर मेहमान वजो रख्या गया अते उस दीआं सहेलियां दे नाल मुलाकातां वी करवाईआं गईआं। हुण मोगा दे इंचार्ज किक्कर सिंह अजिहे मामले च सुर्खियां दे च आ गए ने। उसका गैंगस्टर लॉरेंस नाल मजाक कैमरा दे विच कैद हो गया। सो दस दिने आ कि हुण इहदी जिहड़ी शिकायत है वो पहुंच चुकी है सीनियर अधिकारियों के कोल। SSP गुलनीत खुराना ने मामले की जांच के हुक्म दस्सिया जा रहा है कि मामले की जांच SP देहाती नूं सौंपी गई है। SSP खुराना ने इस मामले नूं गंभीरता दे नाल लैंदिया जांच अधिकारी नूं मामले की बारीकी नाल जांच करन च कहा कि इस मामले नूं हल्के दे विच नहीं लिया जाएगा। खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री लालचंद कटारू चक ने पराली साड़न वाले किसानां दे जमीनी रिकॉर्ड च कीती गई रेड एंट्री बारे कहा कि किसानां नूं परेशान होण दी लोड़ नहीं है। किसी भी किसान दे जमीनी रिकॉर्ड च रेड एंट्री नहीं कीती जाएगी। जेकर किसी भी किसान दे जमीनी रिकॉर्ड दे विच रेड एंट्री कीती गई तां ओह गलत है, क्योंकि पंजाब सरकार दा कोई अजिहा एजेंडा नहीं है। गुरदासपुर मंडी च पहुंचे कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने कहा कि पंजाब च हुण तक 17 लाख मीट्रिक टन झोने दी खरीद हो चुकी है ते किसानां दे खात्यां च 2 घंटियां दे अंदर ही वेची हुई जिनस दे पैसे आ रहे ने। बठिंडा शहर दे एक निजी होटल च सुंदर कुड़ियां दे मुकाबले दे शहर च लगाए गए विवादित पोस्टरां नूं लैके बठिंडा पुलिस मामले नूं गंभीरता नाल लै रही है। पुलिस ने इस मामले च कथित दोषी नूं गिरफ्तार करके मामले दी डूंघाई नाल जांच शुरू कर दित्ती है। दूजे पासे होटल मालक इस मामले तों अपने आप नूं अनजान दस रहे, पर हिंदू संगठन ने भी इस मामले च होटल मालक दी भूमिका ते सवाल खड़े कीते ने। तां दस दिंदे आ कि बठिंडा शहर दे विच एक सुंदर कुड़ियां दे मुकाबले दे संबंध विच लगाए पोस्टरां लैके विवाद खड़ा हो गया, जिस विच लिखा गया सी कि जनरल कैटेगरी दीआं लड़कियां लई मुकाबले रखे गए ते सब तों खूबसूरत कुड़ी नूं विदेशी जनरल कास्ट दे लड़के नाल विआह करन दा मौका दित्ता जाएगा। इस मामले नूं गंभीरता दे नाल लैंदिआं बठिंडा पुलिस ने पोस्टर लगाउण वाले पिओ पुत खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हां नूं गिरफ्तार भी कर लिया। सरकार दीआं अपीलां दे बावजूद किसान पराली साड़ रहे ने। हुण तक पंजाब च 700 तों वध पराली साड़न दे मामले दर्ज कीते गए ने। बेशक सरकार किसानां दे नाल सख्ती नहीं वरतना चाहुंदी, पर कई थावां दे उपर ऑफिसरां वल्लों किसानां नूं जुर्माना लगाउण दे मामले सामने आ रहे ने। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा दे सूबा सकत्तर शिंगारा सिंह मान ने दोष लाया कि पिंड धौला दे किसान लखविंदर नूं पराली साड़न दे दोष हेठ 2500 रुपया जुर्माना दा नोटिस भेजा गया, जदकि उसदे खेत विच झोने दी फसल हाले भी खड़ी है।
डेरा सिरसा दा मुखी राम रहीम मुड़ जेल तो बाहर आ रहा है। रोहतक दी सुनारिया जेल च बंद राम रहीम नूं 40 दिनां दी पैरोल मिल गई है। राम रहीम साल च दूजी वार जेल चो बाहर आएगा। इस बार वो राजस्थान स्थित डेरे च रुकेगा। जिक्रयोग है कि हरियाणा दे रोहतक दी सुनारिया जेल च बंद डेरा मुखी राम रहीम दे बाहर आउण नूं लैके दिन भर प्रशासन चौकस रहा और खुफिया विभाग तो लैके पुलिस तक अपनियां तैयारियां तेज कर दित्तियां ने। अमृतसर दे सुल्तानपुर रोड दे इलाके च गली च एक्टिवा खड़ी करन नूं लैके हुए झगड़े च इक नौजवान दा कतल ते जान दा मामला सामने आया। मिली जानकारी मुताबिक आमो सामने रह रहे दो परिवारां च पार्किंग नूं लैके विवाद हो गया सी और ये विवाद इन्ना वध गया कि एक नौजवान दा किरचा मार के कतल कर दिता गया। फिलहाल पुलिस ने मुलजमान खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मुलजमान की गिरफ्तारी लई छापेमारी की जा रही है। 2015 च होए कोटकपुरा बैबल कलां गोलीकांड दे 7 साल पूरे होण ते बैबल कलां विखे शहीदी समागम रख्या गया। इस मौके ते सियासी ते धार्मिक शख्सियत तों इलावा सिख आगुआं दे वल्लों भी शिरकत कीती गई और इस दौरान पंजाब विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, अमृतसर तों आम आदमी पार्टी दे विधायक कुंवर विजय प्रताप, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे प्रधान ते संगरूर तों संसद मैंबर सिमरनजीत मान, वारिस पंजाब जथेबंदी प्रधान अमृतपाल तों इलावा लखां सधाणा ने शिरकत कीती है। इस मौके ते गल करदे हुए विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि मैं स्पीकर होने तो पहला गुरु साहबान दा सिखा लोगों ने मैनू सरकार नूं भी सवाल पूछने वाले अहुदे ते बिठाया। मैं संबंधी सरकार नूं सवाल पूछा। उन्हां ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नाल बैठ के सारियां गल्लां करके आया जो इत्थे हुईयां ने, संगत ते सरकार दा दर्द सांझा है। बैबल कलां गोलीकांड दे मौके ते पहुंचे हुए आम आदमी पार्टी दे विधायक कुंवर विजय प्रताप भी पहुंचे सी। उन्होंने कहा है कि बरगाड़ी मामले दी कीती जांच बारे जानकारी सांझा कीती। उन्होंने कहा है कि पंजाब विधानसभा दे स्पीकर नूं असीं कहने आ कि बेदबी दे मुद्दे ते बोलन दी खुली आगा दित्ती जावे, इस मामले दे संबंध विच बहस करवाउण ते रिपोर्ट पेश करवाउण लई कहन। उन्होंने कहा कि जेकर मेरे वल्लों तैयार कीती गई रिपोर्ट च एक भी गल गलत हो जावे तां अपनी विधायकी तों अस्तीफा दे देणगे। उन्होंने कहा कि बैबल कलां गोलीकांड दे बेदबी दे 7 साल पूरे होने के बावजूद लोगों वालों मुलजमान सजा दिवाने का संघर्ष जारी रहेगा। दस दिए कि समागम दे विच आगुओं ने भी कहा है कि हाले तक जिहड़ा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। कुंवर विजय प्रताप ने कहा है कि उन्होंने वालों जिहड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है बादल परिवार का थां थां ते जिक्र आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले के संबंध में सुखबीर सिंह बादल नूं नौ निहाल की अगवाई च सिट ने पुछगिछ लई तलब भी किया। फिलहाल इस हुण तक दीआं खबरां, नवीआं ते ताज़ा खबरां दी जानकारी दे लई सुनदे रहो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो साडेला रेडियो 87.8 FM। सत श्री अकाल।